चाय डालो उसमें। थर्मस तुम्हारी तरफ रखा है, खुद डालो। ओ, ये लो तुम्हारी तरफ है। देखो ये दोबारा तुम्हारी तरफ आ गया है। मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है डफने। भूलो मत, ये एक मीटिंग है। अगर तुम अपने बॉस के लिए चाय नहीं डालोगी तो मसला हो जाएगा। क्या होगा? क्या मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा? तुम्हारे पास अच्छा नजरिया नहीं है डफने। तुम्हारा नजरिया महदूद है। मैं तुम्हें पकड़। अच्छा मेरी जान, आप हुक्म करें और मैं ना मानूं। अगर दोबारा भी चाय चाहिए तो कह दीजिएगा, मैं दोबारा सर्व कर दूंगी। मैं तुम्हारे इस रवैये को कदर की निगाह से देखता हूँ डेफने। और इससे मुझे एक बात याद आई है। मुझे लगता है कि इस वीकेंड हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, यानी हो सकता है कि हमें एक्स्ट्रा आवर्स स्पेंड करने पड़े एक साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफिस में काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वीकेंड पे नहीं, क्योंकि आरास टेक्नोलॉजीज की तरफ से पार्टी दी जा रही है इस वीकेंड पे। ओके डेफने, जानती हूँ हम इस बारबेक्यू पार्टी में सारफीन को भी बुला रहे हैं और जाहिरी तौर पे और लोग भी होंगे साथ ही, और मैं सोच रहा हूँ कि तुफैल से पहले ही बात कर लेनी चाहिए पार्टी के बारे में, ताकि हमें पार्टी के बीच में वहां से भागने की जरूरत ना पड़े। हाँ, कैसा? परफेक्ट। यानी टाइम मत वेस्ट करो, अभी कॉल करो उन्हें। अच्छा तो पहले तुमने मेरे एक भाई को सब कुछ बताकर मुझे फंसा दिया, और अब तुम दूसरे भाई को बताना चाहते हो। जानते हो नहीं सुन के वो मुझे जान से मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें क्या? तुम पीछे मत हटना, तुम डट के खड़े रहना उनके सामने और उन्हें बताना कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और किसी चीज से नहीं डरते। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम शायद मुझे छोड़ दोगे। तुम तंस कर रही हो? तुम्हें ऐसा लगा क्या? जब तुम तुफैल भाई से बात करोगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, और परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इसका इंतजार करो। बिल्कुल परेशान मत हो। अरे यालन, क्या मैं सही समझी? हाँ, कहीं तुमने उन्हें ऑलरेडी बता तो नहीं दिया और मेरे साथ खेल खेल रहे हो? हाँ डेफ ने बता दिया है, असल में वो तुम्हारे पीछे खड़ा है इस वक्त। हद करती हो तुम बुजदिल लड़की, हद करती हो। मैं बुजदिल लड़की नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने अपने भाई के सामने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और यही नहीं, तुमने उनके सामने मुझे किस भी किया और मैंने उस पर भी कुछ भी नहीं कहा। और अब तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे बड़े भाई से बात करो और मैं तुम्हारा साथ दूं? क्या अब से मैं अपना मुंह बंद रखूंगा? मैं तुम्हें एक हफ्ता दे रहा हूँ, इसकी आदत डाल लो, फिर मैं तुफैल के पास जाऊंगा और उसे बता दूंगा। एक हफ्ता तो कम होगा, एक महीना दे दो। दो हफ्ते? तीन? दो डफने, अब और रियायत नहीं। ठीक है, क्या बताओगे तुम उन्हें? क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहन मुझसे मोहब्बत करती है। और ये भी कि मुझे मार डालेगी। Her düşündüğüm